नमस्कार, मैं हूँ शेफाली। आप देख रहे हैं दखल। दखल में हर बार हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जिनके कंधों पर कोरोना महामारी का बोझ डला हुआ है। जी हाँ, आज हमारे साथ मायावस्थी जी हैं, एडिशनल कलेक्टर भोपाल हैं। इनसे हम बात करेंगे। माया मैडम के पास कोरोना में लगने वाले ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने अभी हमारी चर्चा हो रही थी तो आप बता रहे थे रेमडेसिविर इंजेक्शन का मैनेजमेंट आपको मिला हुआ है। जी जी। जब अटेंडर्स परेशान होते हैं, जब आपके पास डायरेक्ट पेशेंट के कॉल आते हैं, तब क्या सिचुएशन होती है और आप कैसे मैनेज करते हैं? जी शिपले जी, मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि रेमडेसिविर के लिए शासन ने दो आदेश अलग अलग निकाले हैं। एक कंट्रोलर फूड एंड ड्रग का है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल की सप्लाई से संबंधित है, और जो कि स्टॉकिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर के लिए है कि जो भी प्राइवेट सप्लाई आएगी वो समानुपातिक रूप में जो है हमारे हॉस्पिटल्स को जाएगी। और क्योंकि ये ड्रग जो है वो इमरजेंसी यूज़ के लिए है तो डायरेक्ट पेशेंट्स को नहीं देना है। डॉक्टर जिसको प्रिस्क्राइब करेगा वही ले जाएं, तो वो ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से वो व्यवस्था प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए चल रही है। और दूसरी व्यवस्था है गवर्नमेंट सप्लाई की, जो कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको जा रही है। और उसके बाद हमारे पास और भी कॉन्ट्रेक्चुअल हॉस्पिटल्स भी हैं। जैसे आपको पता होगा 3 कॉन्ट्रेक्चुअल हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर वो सप्लाई जारी है। तो सारे हॉस्पिटल्स की सप्लाई के संबंध में हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया हुआ है और उसकी मॉनिटरिंग जो है जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन रेमडेसिविर का प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी देखने में आया कि बच सकते हैं विदाउट, मतलब रेमडेसिविर ना लगवाएं, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन, तो ऐसा नहीं लगता कि इस पेशेंट को ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी प्रिस्क्राइब कर दिया है, पेशेंट हाइपर हो चुका है। वो सिचुएशन में आपको अगर किसी को समझाना होता है तो क्या मुश्किल आ रही है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि रात के 2-2.5 बजे तक पेशेंट्स के परिजनों के कॉल आते हैं, और वो स्वाभाविक भी है क्योंकि जैसा इस सेकेंड वेव में हमने देखा कि काफ़ी स्प्रेड हुआ है बहुत जल्दी, और कुछ पैनिक सिचुएशन टाइप की क्रिएट हुई क्योंकि एकदम से मरीजों की संख्या बढ़ी है। तो कई बार मरीजों के परिजन के ये आए हैं फ़ोन कि मैडम मैं भर्ती करने जा रहा हूँ और मुझे रेमडेसिविर चाहिए। तो हम उनको समझाते रहे कि ये इस तरह की ड्रग नहीं है, ये केवल डॉक्टर उनकी जो क्लिनिकल स्थिति है मरीज की वो देख के ही प्रिस्क्राइब करेंगे। और यदि आपको आवश्यकता होगी तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके हॉस्पिटल के जो फार्मेसी है वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। उनको काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी का भी कोई परिजन इस स्थिति में पहुँचता है तो उसका पैनिक होना स्वाभाविक है। बट मेरा कहना यहाँ पर अनुचित नहीं होगा कि कुछ आर्टिफिशियल तरह की एक जो है जो मतलब एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि रेमडेसिविर सारों को ज़रूरी है, मतलब सभी लोगों को लग रहा था कि रेमडेसिविर मिल जाएगी तो बच जाएगा। वी आर नॉट डॉक्टर, बट जितना डॉक्टर से चर्चा होती है इस समय उन्होंने ये बताया कि मैडम ये केवल इमरजेंसी यूज़ के लिए ही दवा है और एक सर्टन स्टेज पे ही इसका यूज़ उपयोगी है, जैसे वेंटिलेटर वाले मरीजों के लिए उपयोगी नहीं है। आई एम सरप्राइज कि एक डॉक्टर साहब ने बोला कि मैडम मेरे यहाँ 3 वेंटी वाले हैं और मुझे रेमडेसिविर बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनसे बोला कि डॉक्टर साहब मेरी इन इंस्टीट्यूट में बात हुई है, उनका कहना वेंटी पर तो लगनी ही नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि कई बार परिजनों के प्रेशर में या फिर डॉक्टर को क्योंकि मरीज की स्थिति क्रिटिकल है तो वो उनका ये रहा होगा से कि हम इसको एक बार ट्राई कर लें। बट यहाँ फिर मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ये जीवन रक्षक ना होकर एक सर्टन स्टेज के लिए ही ज़रूरी है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को तो आप लोग मैनेज कर लेते हैं लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कंडीशन बड़ी वेयर्ड हो जाती है, और वहाँ पर जैसा सुनने में आता है कि भाई हमारे नाम से तो आपके हॉस्पिटल में रेमडेसिविर आ चुकी है, प्रशासन ने दे दी है, मगर आप हमको नहीं लगा रहे हैं। तो वहाँ पर इससे क्या कम्युनिकेशन गैप होता है कि अटेंडर को लगता है कि हमारे पेशेंट के लिए आई है बट हॉस्पिटल में नहीं दी जा रही, मारामारी जैसी हालात हो जाती है? मैं ये बताना चाहूँगी कि 15/4 के पहले ये जो है हॉस्पिटल के अलावा रिटेल में भी जा रही थी स्टॉकिस्ट के माध्यम से। शासन का जब आदेश आया कि ये केवल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशनल संस्थान को ही जाएगी, उसके बाद से व्यवस्था में तत्काल चेंज हुआ है और हॉस्पिटल में मरीजों के लिए जा रही है, बट पर्टिकुलर एक विषय व्यक्ति विशेष उनके लिए हम नहीं
वो कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या है ये डॉक्टर ही जो है उसको एनालाइज करेंगे और उनको देंगे। बट मरीज को जरूर लगता है कि भाई ये मेरे मरीज के लिए, मेरे पेशेंट के लिए आई है, उनके परिजनों को रहता है। बट फिर से मैं कहना चाहूँगी कि ये उनकी डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही जा रही है। अभी आप लगातार कोरोना पेशेंट से रूबरू हो रहे हैं, प्रशासन की मजबूरियों को भी समझ रहे हैं, ऐसे में कोई ऐसा वाक्या हुआ जिससे आप बहुत हार्डली अटैच्ड हो गए हो किसी पेशेंट का, या कोई भी ऐसा वाक्या? मैं बताना चाहूँगी कि एक केस था जिसमें कि उस हॉस्पिटल को जा चुकी थी और एक क्रिटिकल मरीज आए जो कि हमारे आर्मी से थे वो, और उसके बाद उनकी वाइफ का फ़ोन आया, सप्लाई जो है उस दिन की हो चुकी थी और मतलब सारे हॉस्पिटल्स में जा चुकी थी, बट उनके वाइफ ने बताया, फिर प्लस हमने डॉक्टर से बताया तो उन्होंने कहा कि हमें जो सप्लाई मिली थी हम सारे मरीजों को इंजेक्ट कर चुके हैं। फिर हमने किसी और फार्मेसी से बात करके उनके लिए अरेंज कराया और मतलब अपना बेस्ट पॉसिबल हम कर रहे हैं, कोशिश हमारी पूरी अपना 100% देने की है। और कई बार ऐसा होता है, ये एक मैंने केस आपको ऐसा बताया, कई बार ऐसा होता है कि मतलब व्यक्ति को लगता है कि ये मिल जाए तो हमारी जान बच जाएगी, तो उनको समझाना और उस लेवल पे लेके आना कि आप चिंता मत करो, डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करेगा तो हम अवेलेबल करा देंगे, तो वो भी मुझे लगता है कि एक मॉरल सपोर्ट इस समय बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पेशेंट से आप बात भी कर लेते हो तो पेशेंट को लगता है हमको एक इंजेक्शन तो मिल चुका, मॉरल सपोर्ट की वजह से आप बात करें। तो हमने पेशेंट्स की, डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल की, सब तरह की बात कर ली। आप एक महिला हैं और ऐसे वक्त में आपको परिवार, हॉस्पिटल, इंजेक्शन, मरीज, अटेंडर, अपने अधिकारी सब मैनेज करने हैं, वो आप पर्सनली कैसे मैनेज करें? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 7 अप्रैल से मैं ये कार्य देख रही हूँ, लगभग 1.25 महीना होने को आया, तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि अप्रैल मंथ में लगभग 2:30 से 3 बजे मैं घर जा पाई हूँ। मेरा एक बेटा है और उससे बगल वाले रूम में ही वो सोता है, तो उसको उसे दूर से ही, कभी रात में जब मैं पहुँचती थी तो उसको दूर से देख लिया। और घर पे मेरे हस्बैंड भी यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर हैं, डिब्रूगढ़ में पोस्टिंग है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में है, तो उनसे भी मेरी 2 से 3 दिन बाद बात होता है अप्रैल मंथ में, लेकिन अभी रात में बात हो पाती है। और मुझे ये लग रहा था कि ये रॉ टाइम है और ये हमें सेवा का समय है। और शुरू शुरू में तो इतना एक हफ्ता इस तरह का रहा कि मतलब ऐसा लग रहा था कि किस तरह से सिचुएशन कंट्रोल होगी, और मतलब एक फ़ोन यदि हम अटेंड कर रहे थे तो 6-6, 8-8, 10-10 फ़ोन हमारे कॉल वेटिंग में जाते थे जिनको कॉल बैक करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता था, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन जो है सारा सिस्टम लाइनअप हुआ है और निश्चित रूप से मरीजों की संख्या में कमी आई है। वो मेरे फ़ोन कॉल्स ही बताते हैं कि मतलब हम लोग अब टाइमली मतलब लोगों को अटेंड कर रहे हैं और इसकी रेमडेसिविर की सप्लाई भी काफ़ी स्मूथ हो गई है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो हॉस्पिटल्स हमारे थे जो पूरे पैक थे, और बहुत सारे छोटे छोटे हॉस्पिटल थे जहाँ पे उतनी युक्तियुक्त सुविधाएं नहीं थी, तो सारे पेशेंट्स अब हमारे सरकारी हमीदिया में, जेपी में जहाँ, या एम्स में जहाँ खाली हो रहे हैं, या और हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल हॉस्पिटल में वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि लोगों को और बेहतर सुविधाएँ मिल रही हैं और ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। कोरोना का पहला फेज देखा, दूसरा फेज देखा, तीसरी लहर की बात आ रही है जी। और कहा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगे, हालांकि अभी उसकी कोई प्रूफ नहीं हुआ है ये बात, लेकिन तीसरी लहर की क्या तैयारी है? और आपके ऊपर फिर अगर जिम्मेदारी डाली गई तो फिर वही सिचुएशंस बनेंगे कि आप बच्चे से नहीं मिल पा रहे हैं, हस्बैंड से बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्या वो जिम्मेदारियाँ आगे लेंगे? निश्चित रूप से ये एक मौका है कि हम अपने जिस अपने प्रण को लेकर सेवा में आए हैं तो वो हम करें। और इस महामारी ने हमें अंदर से और स्ट्रॉन्ग बनाया है, और निश्चित रूप से अभी क्योंकि ये बहुत ही अनसर्टेन है कोरोना वायरस का कि पहली बार आया है पूरे विश्व में, तो किस तरह से तीसरी लहर रहेगी, क्या उसका इफेक्ट रहेगा, तो उसको देखते हुए जो ऊपर लेवल पे एनालिसिस चल रहा है, और हम लोगों का भी एक सिस्टम अब तुलनात्मक रूप में हम कहें तो हम बेहतर स्थिति में, सेकेंड वेव में हमारा मैनेजमेंट और भी अच्छा रहा है,
और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार कुछ चीज़ें, चाहे वो ड्रग्स की हो या कुछ, तो पहले से अवेलेबिलिटी यदि इसकी सुनिश्चित हो सके, एक सिस्टम पहले से ही बना रहेगा जो अब एक हमारा डेवलप हो चुका है, तो उसको हम आगे वो करेंगे, रन करेंगे। और मैं हमेशा इवन 24 घंटे इस चीज़ के लिए उपलब्ध हूँ कि मैं कुछ अपने सिस्टम के लिए, अपने समाज के लिए प्रशासन में रह के कर पा रही हूँ। कोरोना वायरस का समय है, बहुत कोरोना पैंडेमिक, बहुत लोग हाइपर हैं, पैनिक हैं, ऐसे में जनता के लिए क्या आपकी अपील रहेगी जिससे ये थोड़ा पैनिक जो है वो कम हो जाए? रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके जो लोगों में भ्रांतियाँ हैं वो कैसे कम हो सके? मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि अभी जैसे भोपाल में लॉकडाउन लगा है और जो इमरजेंसी या किसी अत्यावश्यक किसी कार्य के लिए जो भी लॉकडाउन में मतलब मेंशन है उसके लिए लेके निकलना पड़ रहा है, वो एक अलग स्थिति है। बट जनता से यही मेरी अपील है आपके माध्यम से कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें। और देखिए, उसका इम्पैक्ट आया भी है कि जो हम 25% की हमारी जो दर थी वो 15% पर पहुँच चुकी है, तो लोगों को ये समझना होगा, लोग समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अब समझ रहे हैं, टाइमली हॉस्पिटल में एडमिट भी हो रहे हैं और अदरवाइज बहुत मतलब सीवियर कंडीशन में एडमिट हो रहे थे, तो लोगों में भी अवेयरनेस इसको किस तरह से हैंडल करना है सिचुएशन को वो आ चुकी है, पहली बात। और दूसरा मुझे ये लगता है कि जनता के साथ साथ जो है हमारा जो अभी जो वैक्सीनेशन वाला ड्राइव चल रहा है उससे भी हम अपने आप को बहुत उससे प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो मतलब मैं कहूँगी कि मैंने 2 डोज लगाई है और इतना एक्सपोजर है, तो ईश्वर की कृपा से सुरक्षित हैं। तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमारे 18+ वाला भी शुरू है वैक्सीनेशन और 45 वाला भी, तो वो भी वैक्सीनेशन सारे लोग बिना किसी शंका के कराएं। ये है हमारी एडिशनल कलेक्टर माया अवस्थी जी। माया जी, आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। माया जी, जैसा कि हमको बता रही थी कि छोटा बच्चा है, देख नहीं, दूर से देखते हैं, मिल नहीं पाते, हस्बैंड से कई दिनों तक बात नहीं हो पाती, लेकिन जनता से फिर भी अपील कर रही हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहिए, साथ ही साथ वैक्सीन जरूर लगवाइए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।